आज मैं आप सभी के बीच में दो अलग अलग टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसमें सबसे पहले मैं आयुर्वेद और एलोपैथ का जो जीएनएम कोर्स हो रहा है उसमें मैं डिफरेंस करके बताऊंगा, और दूसरी चीज दोनों का कोर्स ड्यूरेशन, कोर्स फीस, और कहां कहां से आप जीएनएम आयुर्वेद कर सकते हैं। एलोपैथी के लिए तो बहुत सारे कॉलेज हैं, लेकिन वो स्टूडेंट जो आयुर्वेद से जीएनएम करना चाहते हैं और फ्यूचर में अब जॉब पाना चाहते हैं और एज ए स्टाफ नर्स अपनी ड्यूटी करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं सारी चीजें अलग अलग करके एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो वीडियो में जाने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा दें, जिससे आपको डेली जो मेरी वीडियो आने वाली है इस एजुकेशन ऑफ आयुर्वेद में, तो आप जो भी चीजें आपको मिलती जाएंगी तो आपके कन्फ्यूजन क्लियर होता है, क्योंकि बहुत सारी कन्फ्यूजन इस समय जो मेडिकल के जो स्टूडेंट है उनके दिमाग में इस समय बनी हुई है, तो मैं सबकी कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए टॉपिक पे चलते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है जीएनएम आयुर्वेदा, तो मेन फोकस मेरा यही है, क्योंकि एलोपैथी के बारे में लगभग सब लोग जान ही रहे हैं। तो जैसे मैं अभी आपको बता दूं कि जो जीएनएम एलोपैथी से होता था उसे गवर्नमेंट ने 5 साल के लिए बैन कर दिया है, तो 5 साल के लिए बैन हो गया। तो अब बहुत सारे जीएनएम जो करने वाले जो स्टूडेंट थे वो सोच रहे हैं कि अब हम क्या करें, अब जब गवर्नमेंट ने बैन कर दिया तो फिर हम जीएनएम का कोर्स करें क्या। तो मैं उनके लिए एक अपनी तरफ से राय देना चाहूंगा कि अगर आप जीएनएम करना चाहते हैं तो आयुर्वेद में आपके रास्ते खुले हुए हैं, आप आयुर्वेद में आइए। और सेम ड्यूरेशन है, 3.5 साल का ये यहाँ पे भी कोर्स है, और वो भी 3.5-4 साल का था और ये भी 3.5 साल का है। तो आपको करना क्या है, किसी भी पैरामेडिकल स्टाफ से आपको बस ये पैरामेडिकल कॉलेज से ये पता करना है कि वहां पे जीएनएम आयुर्वेद से है कि नहीं है। तो आपको अलग अलग पैरामेडिकल कॉलेज से जीएनएम आयुर्वेद से कराया जाता है। तो जैसे कि मैं एज ए टीचर आनंद गंगा फार्मेसी नर्सिंग कॉलेज देवरिया में पोस्टिंग है मेरी, और मैं उसी में आयुर्वेदाचार्य के रूप में वहां पे पढ़ाता हूँ, तो मेरे डिफरेंट सब्जेक्ट हैं वहां पे, तो इसलिए मैं इसमें फुल नॉलेज रखता हूँ और मैं आपकी कन्फ्यूजन को अच्छी तरह से दूर करके ही दूर कर दूंगा। तो आप वीडियो में बने रहिएगा और पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जीएनएम का जो कोर्स है वो 3.5 साल का है, वो आयुर्वेद से हम बता रहे हैं आपको, और कोर्स फीस बताया जा रहा है, कोर्स फीस आपको अलग अलग पैरामेडिकल कॉलेज में अलग अलग बताया जाएगा। तो मिनिमम आपकी 60,000 से फीस स्टार्टिंग है और 1 लाख तक की फीस आपको पे करनी पड़ती है पर ईयर, और जो 6 महीने की जो ट्रेनिंग आपकी पीरियड है, जैसे 3.5 साल मेंशन किया हुआ, तो 6 महीने की जो ट्रेनिंग है उसमें आपको फीस नहीं देना पड़ता है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपकी ट्रेनिंग कराई जाती है। और इससे जॉब अगर देखें तो जॉब प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आपको स्टाफ नर्स की जॉब मिल जाएगी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी आपको स्टाफ नर्स की जॉब मिल जाएगी। तो ये अगर आपको जॉब करनी है तो ये आयुर्वेद विभाग में आपको जॉब मिलेगी, तो आपको जो बीएमएस होते हैं उनके अंडर में काम करना होता है, ठीक ना। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं आयुर्वेद से जीएनएम करना चाहते हैं, तो नीचे मैं अपने जो कॉलेज का एड्रेस है उसका और अपने मोबाइल नंबर को उसमें शेयर कर दूंगा, आप कॉन्टेक्ट करके यहाँ पे एडमिशन करा सकते हो। और इसमें कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि जो आयुर्वेद विभाग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही देख रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट आयुष मंत्रालय जो है वो देखता है, और यूपी में भी आयुष मंत्रालय हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ की देखरेख में ये चल रहा है। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत सारे लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं, बहुत सारी फर्जी कॉलेज खुल गया है, तो उसमें बहुत बच्चे डरे हुए हैं कि नहीं हम फीस अगर दे दे तो यहाँ पे फीस फंस जाएगी। तो यहाँ पे कोई ये आपको ये प्रेशर नहीं दिया जाता कि आप एक ही साथ में फीस दें या आप फीस जमा करो, क्योंकि यहाँ पे अगर आप चाहें तो आपको सहूलियत दी जाती है कि आप बारी बारी से फीस जमा कर दें, और यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट आपको अच्छी स्कॉलरशिप भी देती है, मतलब कि 90% आपको फीस रिटर्न दे दिया जाता है। तो आप बेहिचक होकर के जीएनएम आयुर्वेद आप किसी भी पैरामेडिकल कॉलेज से जहां से आयुर्वेद अवेलेबल हो और वहां से अगर बच्चे वहां से पास आउट हुए हो तो आप थोड़ी सी छानबीन करके वहां पे अपना एडमिशन करा सकते हैं।
तो अब किसी के दिमाग में मुझे नहीं लगता है कि कोई कंफ्यूजन रह गया होगा कि जीएनएम आयुर्वेद में स्कोप क्या है, कैसे करेंगे, और जीएनएम आयुर्वेद करने के बाद से हमें जॉब कौन सी मिलेगी। तो इसके अलावा कुछ चीजें और भी हैं, तो अगले वीडियो में मैं आपको फिर बारी बारी से उस चीजों को फिर क्लियर करता जाऊंगा, ठीक ना। धन्यवाद।